दोनों लोग बराबर दिख रहे होंगे भाई, रेस भी मार चुका है और हाइट में फिट भी हो चुका है, मैं फिट हो जाऊंगा कि नहीं यार अब हमको काहे ऐसा लग रहा है कि रेस नहीं निकल पाएगा कि पहले इंडिया आर्मी था तो बहुत जुनून रहता था। हाँ, दो तीन दिन दौड़े तो डाउन कर देता था, सोलो पाँच बीस लग रहा है पर आ चुके हैं। तो सूर्यास्त होने वाला है, अभी भी धान काट रहे हैं लोग और कितना अच्छा लग रहा है। अरे वो बुढ़ऊ है, कितना भैंस रखे हैं, आठ को भैंस रखे हैं यार। अभी हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं यार। जय हिंद एवरीवन, जितने लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है ना तो फिर सोचना क्या यार, आज के ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। और ये वाला जो स्माइल है ना, ये पहले वाला रियल स्माइल नहीं है, ये फेक स्माइल है, क्योंकि जैसे जैसे भर्ती नज़दीक आ रही है ना वैसे वैसे टेंशन बढ़ते चला जा रहा है, तो फिर स्माइल कहाँ से आएगा यार। फिलहाल हमारे ग्राउंड में किस तरह से तैयारी कर रहे हैं सब, कितने लोग दौड़ने आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। और जब हम लोग सुबह में रनिंग करने गए थे ना, तो आप लोग सुबह का वीडियो देखो, कोई भी बंदा सुबह में रनिंग करने नहीं आया था। जब हम लोग रनिंग करके आ रहे थे तो कुछ लोग रनिंग करने आए थे, लेकिन आप लोग देखो हालात कैसा है। अभी चलते हैं पहलवान भाई के पास, तब तक आप लोग सुबह का वीडियो देखना। ग्राउंड पर जा रहे हैं, देखते हैं ग्राउंड पर कितने लोग दौड़ने आए हैं। हम लोगों का भर्ती का ज्यादा दिन नहीं रह गया है, देखते हैं ग्राउंड पर कितने लोग आ रहे हैं। यार हम लोगों की जिंदगी में यही है, एक अपना R15 है और ये अपना एक नेकर है, उसके बाद से ये स्वेटर बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, नहीं तो हम लोग तो ठंडी में इधर ही मर जाते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो इधर आप सारे के सारे लोग अपने अपने घर में सो रहे हैं मस्त तरीके से, और हम लोग पागलों के जैसे ग्राउंड में जा रहे हैं अर्जेंट टाइम में ना। इतना भयंकर वाली ठंडी पड़ रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं यार, हमारा साइकिल भी मान में नहीं आ रहा है, हमारा हाथ ही बहुत ज़्यादा कांपने लगा है। लोन भाई का जलवा देखो, चारों तरफ ठंडी पड़ रही है और ये भी कम नहीं है। अरे बाप रे बाप, तो अभी ये चप्पल उप्पल पहन कर चल दिया यार इतना ठंडी में, और मैं भी चप्पल ही पहना। पहलवान भाई तुम काहे चप्पल पहने हो, मैं काहे पहना हूँ अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रोज इसी तरह आता हूँ। अच्छा रोजो इसी तरह आते हो, और मैं इसलिए पहना हूँ कि मैं इसी तरह से दौड़ता हूँ। देखो मेरे पैर के जो छाले हैं ना वो भी आप लोगों को दिख जाएंगे, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पैर के छाले दिख जाएंगे, और इस पैर में भी बहुत सारे छाले पड़े। ओ रे बाप साइकिल भी गिर गई। पहलवान भाई साइकिल जल्दी सही कर, ग्राउंड भी नहीं दिख रहा होगा। मैं अपने ग्राउंड का हालात आप लोगों को कैसे बताओ यार, हमारे ग्राउंड पर अभी सिर्फ हम और पहलवान भाई आया है, और पहले जब भी भर्ती आती थी ना तो प्रेजेंट टाइम में अरे अरे इधर इधर दिखाओ इधर दिखाओ, एक बंदा और आ गया है भाई, गले मिलो यार। अभी टाइम 3:30 बज रहे हैं और एक भाई और आ गया, तो मिला जुला कर हम लोग 3 लोग हो चुके हैं। अभी दौड़ने चला जाए तो हम 3 लोग दौड़ लेते हैं, उसके बाद से थोड़ा बहुत इंतजार करते हैं, देखते हैं कितने लोग ग्राउंड पर आते हैं। वैसे ये एक R15 है और ये दूसरा R15 है, और ये अपने पहलवान भाई का R15 है, तो 3 R15 आ चुका है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, इंतजार करेंगे या दौड़ लेंगे? दौड़ लेंगे भाई, हम लोग दौड़ेंगे, दौड़ने के बाद से मिला जाएगा, ठीक है ना। ये तो काफ़ी भयंकर वाली बढ़ती जा रही है यार ठंडी से, हम लोग हार थोड़ी के मानेंगे, ठंडी को उठा उठा कर पटक देंगे चली जाएगी। चलो इधर आओ, चारों तरफ से सीट भी घेरा हुआ है ना, इसलिए अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और इसी में हम लोग 8 चक्कर लगा लेंगे, नहीं बलिराम भाई, उसके बाद से इंतजार करेंगे, देखते हैं कितने लोग आते हैं। हम लोग बड़का बड़का वाला स्वेटर पहने थे, हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, लेकिन जब दौड़ना पड़ता है ना तो इसको हम लोग निकाल देते हैं, और निकालने के बाद से इस तरह से एक छोटा सा रनिंग किट पहनते हैं, तब हम लोग का ठंडी सब खत्म हो जाता है। पते नहीं चलता है ना, आर्मी का जुनून है कि वर्दी इस वजन पर चढ़ेगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं बलिराम भाई। तो अभी अपना रनिंग किट पहनते हैं, पहलवान भाई को तो अपना मोबाइल वोबाइल थमा दिए हैं, किट पहनते हैं और 8 चक्कर लगाकर देह में गर्मी ला लेते हैं, ऑटोमेटिक गर्मी ठंडी भाग जाएगी, ठीक है ना। क्यों पहलवान भाई, सही है ना? सही बात है। चलो अभी कैमरा मेरा बंद करो और चक्कर लगाने चलो। जो चेहरा है अभी आप लोगों को नया नया दिख रहा होगा, लेकिन हम लोगों का जिगरी आ रहा है, हम लोगों के साथ ही हमेशा भागता है, का सारा कपड़ा इधर है। आज कुछ ऐसे हो चुके हैं ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं यार, सोचो इस तरह से हमारा भारतीय सेना कैसे मजबूत होगा मेरे भाई। हमारे भर्ती का अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन तभी भी ऐसा सिचुएशन है, सरकार को कैसे दिखाऊं और कैसे बताऊं कि हमारे युवाओं का दिल टूट चुका है, कोई भी प्रैक्टिस करना नहीं चाहता है, ठीक है ना। अब तो बस एक ही भर्ती देखेंगे सब, अगले साल तो ये लोग भी जो लोग आ रहे हैं बचे खुचे ना, वो लोग भी अपना काम धंधा सीख लेंगे सब, अपना देश छोड़कर बाहर चले जाएंगे सब, इतना मुझे पता है, क्योंकि सबके मन में ऐसा चल रहा है। साइकिल पंचर हो गया है ना, तो अपने पहलवान भाई के साइकिल पर बैठ चुके हैं और अपना साइकिल ले चुके हैं। अभी तो कोई दुकान वाला भी नहीं मिलेगा, तो काफ़ी दूर तक हम लोग को इसी तरह से जाना पड़ेगा। ये अपनी ज़िंदगी भाई, देखो कोई भी, सब लोग अपने अपने घर में आराम से सोए हुए हैं और हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। हमें भी सिर्फ हम और पहलवान भाई थे, और हमारा एक और दोस्त था, और इस टाइम भी सिर्फ हम और पहलवान भाई है, और अपना R15 लेकर निकल दिए हैं। अभी चलते हैं ग्राउंड पर, देखते हैं कितने सारे लोग आ रहे हैं। चल रहा है भाई,
रेस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सारे लड़के परेशान रहते हैं, वो तो हो ही जाएगा, अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं ना, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। बेचारा मुहवा मुहवा सूख गया है, हमारी भी सूखा है, उठवा उठवा सब सूख गया है, लेकिन क्या करें यार, अब जब दौड़ और फाइनल हो जाएगा ना तो उसके बाद से फिर लग जाएंगे। ज़्यादा डर हाइट में लगता है यार, दौड़ और तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, अपने तरफ से तो पूरा फुल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा हाइट 170 नाप देते हैं सब, और कभी कभी 169 सेंटीमीटर नापते हैं सब, इसलिए दुविधा में रहता है। अगर एक्स्ट्रा रहता ना 172-175 रहता ना तो फिर हमें डरने का ज़रूरत ही नहीं रहता। लेकिन पहलवान भाई को पता नहीं कि इसमें डर लगता है कि नहीं, डर यही लगता है बस रेस निकल जाए। अच्छा देखो यार, सभी बंदे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता ही है, देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। तुमको कहाँ ऐसा लग रहा है कि रेस नहीं निकल पाएगा? इसलिए लग रहा है कि पहले इंडिया आर्मी था तो बहुत जुनून रहता था। हाँ, पहले मैं 2-3 दिन दौड़े तो 5 डाउन कर देता था 16 का। हाँ, और इस समय 5-20 लग जा रहा है। हाँ, कहाँ क्या कुछ रीजन बताओ? पता नहीं कि बस अग्निवीर की वजह से। अच्छा, अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं 4 साल वाला नहीं जाना है। चलो तब अभी तो SSC का तैयारी कर रहा है भाई। देखो इसका भी R15 काफ़ी मस्त तरीके वाला है, और मेरा भी R15 है। क्या था, मैं आप लोगों को अपना खेती बाड़ी नहीं दिखा पाया था, तो आप लोग देख सकते हो हमारे तरफ तो पूरा का पूरा धान कट गया है, लेकिन इधर अभी भी धान काट रहे हैं लोग, और कितना अच्छा लग रहा है यार। इधर देखो हमारे जो बाबा बाबा है ना, वो लोग भैंस वैंस चरा कर आ रहे हैं, अरे वो बुढ़ऊ है, कितना भैंस रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को भैंस रखे हैं यार। और बाबा इतना भैंस कहाँ रखने वाला मर्दबा तू नहीं, बाबा बुढ़ौती में भी अपना काम चला ले रहे हैं, और हम लोग आए जवान आए इधर ग्राउंड में आकर दौड़ रहे हैं। अकेले आए, 5, 6, 7 भैंस रखे हैं यार, पता नहीं कैसे चराते होंगे। ये रहा अपना ग्राउंड, अभी हम लोग ग्राउंड पर आ चुके हैं। देखो ग्राउंड पर 5 से 6 लोग आए हुए हैं, तो चलते हैं अभी देखते हैं कितने सारे लोग आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हो सूर्यास्त होने वाला है, और यही है ग्राउंड का जनसंख्या, बस 5 से 6 लोग आए हैं, पूरे ग्राउंड पर कोई भी नहीं दिख रहा होगा। ग्राउंड देखने लायक नहीं रह गया मेरे भाई, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब भर्ती नज़दीक आती थी ना तो बहुत सारे लोग दौड़ने आते थे, लेकिन आज देखो हम लोग के भर्ती का ज़्यादा डेट भी नहीं है, मतलब 2-3 दिन और रह गया है, हर 5 से 6 लोग सिर्फ दौड़ने आए हैं। तो ये है हमारे ग्राउंड का हालात। अभी हम लोग सुबह में भी अकेले ही आए थे, हम आए थे और ये बलिराम भाई आया था और पहलवान भाई आया था। अब ये लोग हमारा साथ नहीं देते ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता यार, अकेले दौड़ने का मन नहीं करता है। जैसे जब 5 से 6 लोग रहते हैं ना तो दौड़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, अगर नहीं भी भागना रहता है ना तो साथ में भाग लेते हैं, लेकिन सब अग्निवीर ले लिया, आप लोग देख रहे हो ना सारा का सारा सुनसान एरिया है। तो हम लोग भी चल रहे हैं, कितना चला जाएगा? 8 चक्कर हम भी चल रहे हैं दौड़ने। ये जो अपना दोस्त है ना, ये इसके बारे में मैं क्या बताऊं यार, हम लोग साथी में जाएंगे और साथी में छट के आएंगे। ऐसा मत कहो भाई, ऐसा कहे नहीं कहे यार, बार बार छट जाते हैं तो क्या कहे यार, हमको तो हाइट में डर लगता है। देखो हम दोनों लोग मतलब बराबर हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये फिट है, ठीक है ना। देखो अभी हम दोनों लोग बराबर दिख रहे होंगे, ये भाई रेस भी मार चुका है और हाइट में फिट भी हो चुका है, लेकिन तभी भी डर लगा रहता है मैं फिट हो जाऊंगा कि नहीं यार। हमेशा इससे बस एक ही बात पूछता हूँ, रोज आता हूँ हाइट इससे इसके सामने खड़ा होकर नापता हूँ और बोलता हूँ भाई मैं फिट हो जाऊंगा कि नहीं, तो ये एक जवाब देता है कि भाई फिट हो जाओगे। अभी तक वही जनसंख्या है, जब मैं ग्राउंड पर आया हूँ जितने लोग आए थे ना सिर्फ वही लोग आए हुए हैं, अब पता नहीं क्यों दौड़ने नहीं आ रहे हैं सर, बस 2 से 3 दिन बचा हुआ है। हम लोगों को तो 8 चक्कर भागना था, 8 चक्कर भाग चुके हैं, अभी चलें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद से घर चला जाएगा। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अब देखते हैं इस मेहनत का क्या नतीजा निकलता है, जो कुछ भी निकलेगा वो देखा जाएगा यार। अपने तरफ से तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मर नहीं ना जाएं, अगर मर जाएंगे तो यार मतलब क्या होने वाला है बताओ। बहुत सारे भाई अपना जान दे देते हैं सब, और क्यों देते हैं सब, इसी तरह पागलों की तरह आकर ग्राउंड में मेहनत करते हैं सब, चाहे कोई बंदा आता है चाहे नहीं आता है, वो बंदा आकर हमेशा प्रैक्टिस करता है, और जब रिजल्ट निकलता है कोई हाइट में अनफिट हो जाता है, कोई दौड़ में अनफिट हो जाता है, कोई पेपर में फेल हो जाता है, तो उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं सब। ऐसा नहीं करना है यार, ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी हम लोग भी चल रहे हैं एक्सरसाइज करने, उसके बाद से मिला जाए अगले ब्लॉग में, ठीक है ना। दौड़ने के बाद तो हालत ख़राब हो जाता है, देख रहे हो ओठ ओठ सब सूख गया है, पहलवान भाई का तो हालत ख़राब हो गया है और बलिराम भाई का भी हालत ख़राब हो चुका है। ये दौड़ ऐसी चीज़ है ना, सबका हालत ख़राब कर देती है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जय हिंद।